तपती धूप से कैसे बचा जा सके और इस झुलसती स्किन से किस प्रकार से बचा जा सके, इस तमाम सवालों के लिए आज हमारे साथ एक प्रमुख मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ हैं स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिनेश मलिक। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। जी नमस्कार डॉक्टर दिनेश। हम सभी का ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल, और देखिए काफी लंबे वक्त से सवाल चलता आ रहा है, जैसे ही गर्मी शुरू हो जाता है लोग इसी का इंतजार करते हुए नजर आते हैं कि जल्दी से जल्दी गर्मी शुरू हो, लंबा दिन हो, हमारे पास ज्यादा समय हो। लेकिन जो तपती धूप इस वक्त है वो हमारे लिए कितना नुकसानदायी है और हमारे स्किन पर किस प्रकार से इसका असर पड़ता है, एक बार उसके इस विषय पर जानकारी साझा करें। जी अभी जैसे अचानक पिछले 10 से 15 दिन में काफी ज्यादा गर्मी बढ़ चुकी है और इस गर्मी की वजह से जो ओपीडीज हैं अस्पतालों में उसमें 20 से 25% का इजाफा हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा लोग मेडिसिन में या स्किन में आ रहे हैं, जिसमें स्किन में लोग बताते हैं कि गर्मी की वजह से शरीर पे दाने होने लग गए हैं, शरीर झुलसने लगा है, तपिश होने लग गई है। तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा तकलीफ वाली स्थिति आ गई है और इस गर्मी से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि हम लोग पहले तो ये ध्यान रखें कि यदि आवश्यक ना हो तो हम गर्मी में बाहर कम से कम निकलें, यदि फिर भी हमें कार्यवश बाहर जाना है तो हम कोशिश करें कि फिजिकल बैरियर्स यानी कि सिर पे टोपी आदि लगाएं, गमछा बांधें, पढ़ना रखें या मास्क आदि लगाकर बाहर निकलें। यदि किसी की स्किन में कोई तकलीफ है तो कोशिश करें कि सनस्क्रीन इत्यादि लगाकर ही बाहर जाए ताकि आप गर्मी से अपने आप को बचा सकें। डॉक्टर दिनेश, यहाँ पर आपने सनस्क्रीन का जिक्र किया, हालांकि इस पर भी मैं सवाल करूंगी, लेकिन एक सवाल यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है क्योंकि इस गर्मी से जो एक्ने ब्रेकआउट है वो उसकी समस्या काफी ज्यादा हो रही है। हालांकि एक्ने ब्रेकआउट आखिरकार ये कैसे होता है, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है, एक बार वो भी बताएं और उसका सॉल्यूशन भी जरा बताएं सर। जी होता क्या है, जब गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा पसीना आता है तो कई बार हमारे जो पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं फेस पे, वो कई बार ब्लॉक हो जाते हैं तैलीय त्वचा होने की वजह से, उसकी वजह से नए पिंपल्स बनने लग जाते हैं, बाकी शरीर पे घमौरियां, दाने, फुंसी इत्यादि बन जाते हैं जिसको फॉलिकुलाइटिस भी कहते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम लोग जब भी धूप में निकलते हैं या गर्मी में इस तरह की दिक्कत होती है तो हम कभी भी सूती कपड़े का प्रयोग अच्छे से ना करके जो भी सिंथेटिक कपड़ा है उससे हम प्रयोग करते रहते हैं और उससे हमारे इन्फेक्शन के बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। तो हमने विशेष तौर पर यह ध्यान रखना है कि सूती कपड़ा पहने और जितना शरीर का अधिक से अधिक हम भाग ढक सकें, और ये स्पेशल बात ध्यान रखें कि जब भी हम कपड़ा पहने वह हल्के रंग का हो, सफेद या लाइट कलर के जो भी कपड़े हैं, ज्यादा चटक व डार्क कपड़े हम लोग ना पहने जब हमें बाहर की तरफ ज्यादा रहना है या काम करना है फील्ड में। बिल्कुल। और डॉक्टर दिनेश देखिए यहाँ पर जो एक और समस्या उत्पन्न होती है इस गर्मी में वो खुजली वाले दानों की होती है, ये पूरे ही त्वचा पर, पूरे स्किन पे और अलग अलग अंगों पर भी देखने को मिलता है। अब ये समस्या आखिरकार क्यों उत्पन्न होती है, क्या ये किसी तरह की स्किन एलर्जी है या फिर इसकी वजह सिर्फ गर्मी? इसको हम इस मौसम में काफी ज्यादा हो जाती है और जो खुला एरिया उस पर ज्यादा होती है जिसको हम कई बार सन एलर्जी या फोटोडर्मेटाइटिस बोलते हैं, जिसकी वजह से शरीर पर बारीक बारीक बाजरे जैसे दाने हो जाते हैं, उनमें पस नहीं होता है पर बारीक बारीक दाने होते हैं जिसकी वजह से बड़ी खुजली और इरिटेशन सी होती है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग प्रयास करें कि कम से कम दिन में 2 या 3 बार स्नान करें, साबुन आदि की बार बार आवश्यकता नहीं है पर हम कम से कम सिंपल पानी से 2-4 मग्गे शरीर पर डालें जिससे कि जो तैलीय त्वचा या जो एलर्जी है धूल मिट्टी की या मौसम की वजह से या जो शरीर पे हमारे बॉडी से सिक्रेशन निकल के नमक या एलर्जी से फील हो रही है वो क्लीन हो जाए और हमारी त्वचा पे एलर्जी ना हो। दूसरा हम प्रयास करें कि यदि संभव हो तो दिन में हम अपने जो कपड़े पहनते हैं जैसे बनियान आदि है या अंडर गार्मेंट्स पहनते हैं उनको जितना संभव हो पाए सूती ही यूज करें। ठीक है, महंगे की आवश्यकता नहीं है पर सूती की आवश्यकता जरूर है। चलिए आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर दिनेश, ये तमाम जानकारी हमारे